25 कदमों का रन आप सिर्फ एक कदम से अंतर के पार जाते हुए गोल तफील के लिए जी हाँ लेग स्टंप से बाहर अंतर के सारा वाइड बॉल लेकर अतिरिक्त रन आता हुआ इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 8 रन पहले ओवर की प्रगति पर बगैर किसी नुकसान के इस वक्त स्ट्राइक पर है मिस्टर प्रभु नॉन स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर दिल्ली एंगल बहुत ज्यादा बना नॉन स्ट्राइक पर है प्ले जीतेगा उसका मैच अगला मैच नॉन कर्मा से होगा जी हाँ इसी बीच अगले गेंद लेकर तैयार है रघु शर्मा स्पीड के सौदागर कहे जाने वाले गोल शर्मा लेफ्ट हैंड बॉलर उनकी गेंदों का सामना करेंगे राइट आर्म बॉलर बैट्समैन प्रभुल इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार अंपायर को पार किया और पिच बॉल से हल्के हाथों से खेला स्टिक लॉन्ग ऑफ की साइड जब तक गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बैट्समैन और दौड़कर स्थान से एक रन पूरा कर लिया इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर की प्रगत पर काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ दर्शक स्टेडियम में खुश दिखाई दे रहे हैं सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है बटर स्टार पर पहुंच चुके हैं मिस्टर दिलीप गोल शर्मा की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार है मिस्टर दिलीप गोल शर्मा भी विकेट में से अंपायर को पार किया वो फिलहाल इसे हल्के हाथों से खेला है थर्ड मैच की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बैट्समैन ने अगर स्थान से एक रन पूरा कर लिया इस एक रन की मदद से पड़ता हुआ टोटल स्कोर 9 रन 219 रन बहुत ही अच्छी बात थी लेकिन कुछ जो है ना होगी जी हाँ इनका पैर बहुत बाहर जाता है कुछ अनियमित वेट वाली तो ये लग रही भाग ना हाँ भैया लाइन मेरा गोल शर्मा 10-25 कदमों का रन अप लंबा रन अप तैयार स्पीड के सौदागर भी कहे जाते हैं इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार दूसरे कदम से अंपायर को पार करते हुए पर फिर के नहीं इसे खेलना चाहते थे पर बैठे हुए तक कोई संपर्क नहीं किए सीधे कीपर के पास स्थान होने बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया जी हाँ पहले ओवर की समाप्ति का ऐलान आ चुका है सख्त मेन अंपायर के रूप में निकले स्थान समाप्ति पर तो सेकेंड ओवर लेकर आएंगे संभवतः दादा बाबा अपने स्तर का पहला अपनी टीम की तरफ से दुर्घोष दुर्घोष बाबा अपने स्तर का पहला अपनी टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आएंगे बाबा स्ट्राइक पर होंगे दिलीप फर्स्ट टाइम दुर्घोष बाबा की गेंदों का सामना करेंगे दिलीप इसी बीच अगले गेंद लेकर तैयार दुर्ग कर जनता है बता के पड़ गई खेला के फील्डर के पास बॉल छोड़ देंगे जैसे मेरे के बाद कबड्डी की तरफ खेलने के लिए जी हां वेलकम बाउंड्री आती हुई Thank you.
कौन जो फिल्ली कर दी बहुत तगड़ा बोला जिसके लिए जाने जाते हैं मिस्टर तरपोली। अभी तो कुछ खास नहीं करता अपने टीम के लिए। आजमगढ़ की सर्दी से ताल्लुक रखते हैं मिस्टर तरपोल। बेहतर स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं मिस्टर दिलीप। अपने इस बल का दूसरा अपने टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आएंगे मिस्टर गोलू। मिस्टर गोलू की गेंदों का सामना करेंगे मिस्टर दिलीप। जी हाँ गोलू शर्मा 25 कदमों का रन आउट। कोई एक लेफ्टी बैट्समैन आया होता ना द्वारा आपको एक एसडीडी के ड्रॉप दिया जाएगा 350 रुपए की प्राइस है। जी हाँ उसके आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से एसडीडी के ड्रॉप दिया जाएगा आपको हेल्थ छक्के पर 28 रन। इस वक्त मिस्टर गोलू शर्मा के द्वारा हमारे साथी कमेंटेटर मोहम्मद इरफान इस वक्त कमेटी की तरफ आ रहे हैं। नवन कर्मा के सर्जन से ताल्लुक रखते हैं आठ ओवर के मुकाबले में एक बॉलर दो ओवर करा सकता है। बाकी के काम भी के टीम ने पूरा किया तो अभी भी तीसरे ओवर पर गति पर है। स्कोर है 28 रनों पर। अभी भी तीसरे ओवर पर गति पर है गोलू शर्मा के द्वारा। आज के दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला थोड़ा से जरूर बाधित था मगर थर्ड अंपायर के निर्णय आने के बाद मैच को स्टार्ट पुनः कराया गया। गोलू शर्मा एक बार फिर हल्के हल्के कदमों से सामने है बल्लेबाज दिलीप। खेलना चाहते थे यहाँ से ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय गोलू शर्मा। विकेट कीपर चूके थर्डमैन चूके लेकिन थर्डमैन ने दोबारा गेंद को कलेक्ट किया तो इस एक रन के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा है स्कोर महज 29 रनों पर। इस समय तीसरा ओवर प्रगति पर है तो प्रफुल यादव एक ऐसा नाम एक ऐसा जाबाज सितारा इस समय स्ट्राइक पर है। प्रफुल को अपनी बैटरी फुल करनी पड़ेगी अगर इस मैच में बने रहना है तो प्रफुल को अपनी बैटरी फुल करनी पड़ेगी। मिस्टर प्रफुल नोमान एंड कंपनी का सितारा इस समय अपने हुनर को आजमाने के लिए इस समय एनमा की सरजमी पर अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है और उनका साथ बखूबी दे रहे समय दिलीप कुमार। ओवर की समाप्ति का ऐलान भाई कृष्णा माफ कीजिएगा मिथिलेश अंपायर मिथिलेश के द्वारा ओवर समाप्ति का ऐलान। तो तीन ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 30 रनों पर इस समय बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। स्टार्ट पे हॉटस्टार में पी सोनी लाइव में सोनी लाइव तो हर स्टार पे नहीं दिखा रहा। इससे पहले आयरलैंड वाला मैच पुराने फॉर्म में आना होगा जिस नाम के लिए जिसके लिए जाना जाता है मिस्टर बल्लेबाज प्रफुल्ल यादव। ये हॉटस्टार चाहना चाहिए और अपनी बैटरी को फुल करनी पड़ेगी। लंबे लंबे छक्के लगाने होगा अगर टूर्नामेंट में बने रहना है।
जसवंत आए हैं अपने गोटे के पास, टीम का और खेलना चाहते थे, सीधा बॉडी से टकराई गेंद, बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी 30 रनों पर अटका हुआ इस समय है। चौथा ओवर प्रगति पर है जसवंत के द्वारा, आठ प्लस आठ ओवरों का मुकाबला इस समय है। चौथा ओवर प्रगति पर है जसवंत के द्वारा, कोहली नहीं गया, सीधा सीमा रेखा के बाहर है। विराट कोहली खेल रहा है, कौन कौन है प्लेयर बताओ, अपने बाजू को खोला है इस बल्लेबाज ने, टेस्ट मैच है, अब देख रहा है यहाँ से दिलचस्प होगा ये बल्लेबाज क्या करता है। टेस्ट अपने बल्लेबाजी की बदौलत के बल्लेबाज अच्छे अच्छे गेंदबाजों को छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता ये बल्लेबाज मिस्टर प्रफुल्ल यादव। अपने हुनर को आजमाने के लिए, अपने बाजुओं को खेलने के लिए तैयार है इस समय है नवाजी सर जमी पर। ये सेमीफाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला है, वापस फील्डर मौजूद और ये शानदार बहुत बड़े मूर्ख ये मैच जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया है। नहीं यार मजाक मत, अरे देखो भाई मेरे को क्या, मैं जो दिखा रहा वही बता रहा हूँ ना, गलत दिखा रहा है अंपायर महोदय अपना निर्णय बताएं, आउट होकर दिलीप इस समय सवे एरिया में है। बताओ ये लाइव वाले भी गलती कर देते, कौन है इसमें कप्तान, जसप्रीत बुमराह को दिखा रहा है देखो, लेकिन कौन है इसमें करेगा कौन, बॉलिंग का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज ने, देखो रोहित शर्मा नहीं है, तब क्या दीजा सिरे सही है। देखो विराट कोहली का चांसेस है, विराट कोहली ऋषभ पंत सिरे सही है, विराट कोहली तो छोड़ दिया, वो करेगा नहीं जहाँ तक उम्मीद है। जसप्रीत बुमराह लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यह सारा दारोमदार इस समय है प्रफुल्ल यादव के ऊपर। क्या क्या हो रहा है, पाँच छह महीने में छह सात कप्तान हो गए इंडिया, तो पहले विकेट का पतन होता हुआ जसवंत ने दिलाई है पहली सफलता। जानते हो 37 रनों के लिए स्कोर पर चौथा ओवर पर गलती पर इस समय जसवंत के द्वारा, तो पहली सफलता दिलाई है इस समय जसवंत ने भाई, बोले बुमराह कैप्टन है, सच में भाई बुमराह ही कैप्टन है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, पूछ लो इसमें तो सब बोल रहे हैं भाई, उसकी जगह तो ऋषभ पंत थे भाई कप्तानी करने के लिए, जडेजा थे, विराट कोहली, तो फिर बुमराह को क्यों बनाया गया, तो काफी हाइक लेके बाद वाइट बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर का, फर्स्ट राउंड से वाइट दोनों, पब्लिक से पूछो बताएगी, पब्लिक बता रही जैसे बुमराह ही कप्तान है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। जसवंत एक बार फिर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक गेट को फील्ड करता है आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, अपने स्कोर को बदला और स्कोर को पहुंचाया है 39 रनों पर इस समय चौथा ओवर पर गति पर है जसवंत के द्वारा। खिला लेगा, खिलाएगा, ये अब क्या करो, टेस्ट मैच है ना इसीलिए बनाएंगे सब, टेस्ट में बॉलर को ज्यादा चलता है ना, हाँ विराट कोहली कप्तानी करेगा बस, वो नाम देखो नाम है उसका हार्दिक, उसमें बहुत से ऐसे सीनियर भी हैं जो अपना कप्तानी दिखाएंगे। टक्की हुई गेंद लेग साइड में घुमा कर खेला है, किसी भी इंडिया के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, ये दूसरा छक्का आता हुआ प्रफुल्ल के बल्ले से, रोहित को कोई कोरोना हो गया है, मिस फील्डिंग फील्डर के द्वारा खामियाजा 6 रनों के रूप में, जहाँ पर विकेट मिलनी चाहिए वहाँ पे छक्के मिल रहे हैं, और एक ऐसे बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ा है जो आपके लिए काफी महंगा साबित हो सकता है, यह बल्लेबाज स्विच ऑफ कर दो, ओवर एटिंग क्या कर रहे थे, धूप ज्यादा वीडियो बना रहा है सोच लो हमारी भाई क्या होगी महंगे नहीं है भाई 500 का वाला पूछ लो, 500 वाला देख लो, 2 लाख का बता दिए,
चार ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है इस समय 46 रनों पर, तो उनके 300 रुपए माफ कीजिएगा 45 रनों पर लेके आई मैं 300 रुपया में पांच। थोड़ी सी गलती अगर हम पे हो जाती है तो स्कोर महोदय पे आप ध्यान दीजिएगा, हम अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं। चार ओवर की समाप्ति पर इस समय एनमा का स्कोर है 45 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर इस समय चार रन समते को इसको 45 है। आर यू सीइंग सचिन को लाया गया सामने है बल्लेबाज लकी, फुल टॉस के खेल रहा है सीधा सीमा रेखा के, अंपायर बता देंगे और शानदार छक्का लगाया है सर लकी ने, फुल टॉस के थी खामियाजा 6 रनों के लिए निकल पड़ा है, इस समय स्कोर है 51 रनों पर। यहां पे एनवा की टीम अपने बाजुओं को खोलती हुई नजर आ रही है और उच्चनपुर के फील्डर उनका साथ दे रहे हैं। सट्टे के साथ स्कोर जा पहुंचा 51 रनों पर, 5 ओवर पर गति पर इस समय टीम के कप्तान सचिन के द्वारा, तो काफी दारो मदार होगा इनके ऊपर। धीरे कुमार खेला है आपकी भी कोई फील्डर के पास में मौका ही नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, तो लकी का लगा लक साथ दे रहा और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जा रही है। क्या लाजवाब बल्लेबाज इस समय दर्शकों की नजरों को अपनी तरफ खींचा है इस बल्लेबाज मिस्टर लकी ने, एक और लगाया, अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो इसके आयुर्वेदिक की तरफ से आपको एसीडीसी केआर ड्रॉप दिया जाएगा जिसकी आर एस एम आर पी है मात्र 350 रुपए। खेला है यार बल्लेबाज की गेंद थी वहां पर फील्डर मौजूद है ना, उसका चांस बाल बाल बचे, अगर गेंद इधारे खींच होती विकेटों का पतन हो सकता था मगर डायरेक्ट विकेट से ना हिट होने की वजह से बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। तो अभी भी स्कोर है 58 रनों पर, लटका हुआ इसमें 5 ओवर पर गति पर सचिन के द्वारा, इस ओवर में पहली बार तीन को स्टार बल्लेबाज प्रफुल्ल यादव, स्लो डिलीवरी की थोड़ी नीचे रहते हुए रनों के लिए निकल पड़े थे और आसानी के साथ एक रन पूरा होता हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 1 रनों पर, अभी भी 5 ओवर पर गति पर है सचिन के द्वारा। 100 रन बनाने चाहिए तो सचिन हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद खेलना चाहते हैं बैटर के सपोर्ट में लगाते रनों के लिए निकल पड़े हैं और यहां पर रनआउट का चांस हो सकता था, पर फुल जा सकते थे अगर विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती ना हुई होती। जितना जल्दी करना चाहते थे उतनी जल्दी गेंद उनके हाथों में समाई नहीं और नतीजा बगैर विकेट के खुश होना पड़ेगा, नतीजन यही निकला जहां पे विकेट होनी चाहिए थी, थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण बोल्ड कर दिया है, क्लीन बोल्ड कर दिया है। टप्पा खाने के बाद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा पिट्टो पर हिट कर गई है गेंद, ये गांव का है और बल्लेबाज मिस्टर लकी को पवेलियन भेजा है, नहीं ये गुलू के गांव का, उधर का हम लोग के इधर का बूढ़नपुर का है, नॉर्मली खेलता है ज्यादा सचिन, बॉलिंग भी करता क्या क्या वो ये जो गया बैटिंग करके नहीं कभी फेंकने के लिए आ जाता है, कभी कभी फेंकने के लिए आ जाता है जब इसकी टीम में चलती है फिर। अरे नहीं भैया कॉल ये दिया फाइनल सेमीफाइनल पहुंचा रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, मैच जो होता है ना जब जिस बॉलरों को लोग खेले रहे हैं इस समय है प्रफुल्ल यादव जूझते हुए नजर आ रहे हैं रिजेक्ट करके दबा देते सामने, अब क्या ये विकेट लेके गया उसके टीम से चिल्ला रहा है नाम और काम के लिए बल्लेबाज जाना जाता है, नए बॉलर लेके चले जाते हैं क्योंकि अंदाजा नहीं होता वो कहां फेंकेगा। 18 के विशेष इस समय दुर्गेश आए हुए अपने कोटे का दूसरा टीम का छतार लेकर सामने, बल्लेबाज दुर्गेश उसका सामना करके बल्लेबाज पर दिल खेला है
वो तो सीधा सीमा रेखा के बाहर छह रनों के लिए और छक्के के लगाने के बाद इसे बल्लेबाज ने कहा मैं अपना फन दिखाता हूं तो अपना फन दिखा ये तसिल्ले मंतशा बता सिल्ले मंतशा क्या लाजाब बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय मिस्टर प्रफुल्ल यादव एक बार फिर उठाकर खेला है जो सीधा सीमा रेखा के बाहर अपने साथियों को खेला है इस समय प्रफुल्ल यादव ने लगातार बैट बैट सिक्स से जिस समय लगाकर खेल रहा है ये बल्लेबाज हैट्रिक के चांस पर 51 रुपए के इनाम पर है और साथ में एक ड्रॉप भी खेला है पांडे की तरह घुमा कर खेला वहां पर सुंदर मौजूद है ये सीमा रेखा की तरफ जा रही है रनों के लिए निकल पड़े हैं और यहां पर मिस फील्डिंग कामयाबा 2 रनों के लिए खुशी की लहर आती है इस समय नवा के सभी दर्शक दूरगामी प्रफुल्ल यादव का बल्ला इस समय अपनी खामोशी को तोड़ता हुआ रमेश्वर दुर्गेश बाबा एक बार फिर सामने है बल्लेबाज प्रफुल्ल यादव स्कोर है 73 रनों पर छतावर प्रगति पर है पटकी गेंद गेंद घूमा जा रही है सीमा रेखा की तरफ वहां पर फील्डर मौजूद है आसानी के साथ 1 रन पूरा होता हुआ दुर्गेश बाबा एक बार फिर अपने बॉलिंग मार कर तैयार सामने है बल्लेबाज इस ओवर में पहली बार सचिन पहले की तरफ दौड़ना चाहते थे बैट और गेंद से कोई मुलाकात नहीं बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया जाओ सचिन जाओ तो ये आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया ये तो कट्टा खाने के बाद सीने को तैयार कर गए अच्छा गांव के लड़कों में मैं पहली बार देख रहा था बाजार लेब कप्पा खाने के बाद सीने पे वार की और बल्लेबाज ने अपने पैर को विकेटों पर दे मारा एक और बल्लेबाज इस समय रेड कैप द्वारा जा रहे हैं बूढ़नपुर गाँव इसी पे खेलते हैं जानेंगे नहीं क्या बात कर रहे भाई भाई ये मैच जागीरगंज में हो रहा है आयनवा जागीरगंज अंबेडकर नगर जिला है पटकी हुई गेंद और अंपायर का इशारा ओवर का आता हुआ ओवर समाप्ति का ऐलान भाई मिथिलेश द्वारा तो 6 ओवरों की समाप्ति पर टोटल स्कोर है इस समय 73 रनों पर बची हुई 12 गेंद 74 रनों पर माफ कीजिएगा थोड़ा सी स्कोर महोदय से गलती हुई इस समय 12 गेंदों का खेल शेष 12 गेंदों में कहीं ना कहीं 10 गेंदें प्रफुल्ल यादव को अपने पक्ष में रखना होगा सामना करना होगा 12 गेंदों में कम से कम 10 गेंदों का अगर इस स्कोर से प्लस करना है तो टोटल स्कोर है 74 रनों पर इस समय तमाम विकेट के नुकसान पर 74 रन लॉस ऑफ खेला है गिरिंदर के पास कोई मौका नहीं गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए गगन को चूमकर सीमा रेखा को पार कर गई ये गेंद इधर आशितमगढ़ आहनर आजमाते हैं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाते हैं क्या लाजवाब शानदार बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज अपने बाजुओं को खोला है अपने हुनर को आजमा रहा है फिर एक बार खेला उसके नीचे फील्डर मौजूद है एक शानदार कैच पकड़े गए प्रफुल्ल यादव 80 रन के निजी स्कोर पर चौथे विकेट का पतन होता हुआ अगर ये बल्लेबाज रहता मिस्टर प्रफुल्ल यादव तो कहीं ना कहीं ये 100 प्लस जरूर होता लेकिन यहाँ से 100 बनना इतना आसान नहीं होगा हाँ चल ठीक है खेले तो सही ये
जसवन एक सफलता बड़ी मछली को जाल में फंसाया हमेश्वर प्रफुल्ल यादव के रूप में जसवंत ने छक्का खाने के बाद वापसी की थी और विकेट कीपर के हाथों लपकवाया और पवेलियन भेजा प्रफुल्ल यादव को। खेलना चाहते थे पैड से टकराए गए थे सीमा रेखा की तरफ जा रही वहां पर थर्डमैन मौजूद मछलियों की तरफ तैर रहे हैं गेंद को फिर भी किया तो दो रन मिलेंगे। ये गेंद इस गेंद पर दो रन मिलेंगे एक्स्ट्रा के रूप में। गेंद संभवतः पैड से टकराने के बाद थर्डमैन एरिया में गई थी उसके बाद थ्रो करने के बाद फाइनल एरिया में गई खामियाजा दो रनों के रूप में स्कोर इस दो रनों के साथ जा पहुंचा है 82 रनों पर। ड्रिल भी कर रहे हैं तो क्रॉस है कर रहे हैं सीधा नहीं चला रहे। जी हां जसवंत अपने स्पेल का दूसरा अपने टीम की तरफ से 7 ओवर लेकर आए उनके सामने अहमद धीरे कंधे से अंपायर को पार करते हुए मिस्टर अहमद के लिए खिलाड़ी के फील्डर 17 होने का चांस पर गेट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया वहां पर खड़े खिलाड़ी ने खामियाजा दो रन इस दो रन की तरफ से बढ़ते हुए टोटल स्कोर 84 रन 7 ओवर की प्रगति पर। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं मिस्टर सलमान एनवा की तरफ से मिस्टर सलमान काफी हिटर बैट्समैन मिस्टर सलमान अगर इनके बैट में बैट क्रीडार में गिर जाती है तो सीधे सीमा रेखा के बाहर ही देखने को मिलती है। अगर गेंद का संपर्क बैट से होता है तो सीधे सीमा रेखा के बाहर ही देखने को मिलती है गेंद। जी हां जसवंत काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इस तरफ जसवंत अगली गेंद लेकर तैयार धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया सलमान के लिए खेला है सलमान लेना चाहते थे पर साथी खिलाड़ी ने मना किया इस दो रन के से बढ़ते हुए टोटल स्कोर 86 रन 7 ओवर की प्रगति पर 4 विकेट के नुकसान पर। यहां ओवर की समाप्ति का ऐलान आ चुका है मिस्टर मिथिलेश चौहान के द्वारा 7 ओवर 86 रन जैसे निकल लास्ट ओवर देखते हैं कौन से बॉलर लेकर आते हैं जितेंद्र होंगे जी हाँ अपने स्पेल का पहला अपनी टीम की तरफ से आता होकर लेकर आएंगे जितेंद्र उनकी गेंदों का सामना करेंगे प्रदीप उनका अखबार खेलना चाहते थे पर बैठ और गए तो कोई संपर्क नहीं गेंद वाइट में जाकर टकराई का एक रन जरूर मिलेगा। एक बार फिर स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं मिस्टर सलमान 6 से इनकी अच्छे बैट्समैन है सीधी जितने अगली गेंद लेकर तैयार भी विकेट में अंपायर को पार किया सलमान के लिए ऑफिसर से काफी बार अंपायर की जा रहा व्हाइट बॉल स्ट्राइक के साथ बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 88 रनों पर जा पहुंचा। पूरी तरह से बात के रख दिए जितेंद्र ने बैट का मुंह खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं मिस्टर सलमान को सीधी चकली लेने का तैयार जिया खेला नीचे फील्डर ये फील्डर के पास है काफी दूर जिया वेलकम बॉल दिया थी मिस्टर सलमान के बल्ले से गगन को चूसते हुए छक्का आया मिस्टर सलमान के बल्ले से छक्के की तरफ से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 94 रन मात्र 6 रन दूर है इस वक्त एनवा की टीम सेंचुरी से। कुछ महंगे साबित हो रहे हैं इस वक्त मिस्टर जसवंत
अपने बाजू को खोला, मिस्टर सलमान ने सीधी चकली खेलने पर तैयार। जितेंद्र अकेला है किसी फील्डर के पास, कोई चांस नहीं गया सीमा रेखा के बाहर खेलने के लिए। बाउंड्री आती हुई इस वक्त मिस्टर सलमान के बल्ले से छक्के की तरफ से सेंचुरी पूरी हो चुकी है। इस वक्त आए नोना जी क्या बोल रहा है, अच्छा भाई रन आउट के रूप में इस वक्त पांचवा झटका लगता हुआ आईना पे मिस्टर सलमान के रूप में। लास्ट संभवतः अगले बल्लेबाज होंगे आशीष सलमान का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं मिस्टर आशीष। इस इनिंग का लास्ट ओवर है, कुछ गेम यहां से दो छक्का मार दिया, 86-92 सौ रन होने वाला है, 101 रन हो गया ना, 101 रन हो चुके हैं। सब तो दो दो इस इनिंग की स्टार्ट पर जो मिस्टर आशीष ने अभी अपना खाता खोलना है। जितेंद्र अगली गेंद लेकर तैयार थे, जितेंद्र सत्तर से पार के मिस्टर आशीष के लिए जो खेलना चाहते थे पर बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं दिया है। तो रन आउट मिस्टर आशीष के रूप में सब तो इस इनिंग की लास्ट गेंद होगी स्ट्राइक पर है। पर जितेंद्र इस बार कब्जों कराना धीरे धीरे कब्जों से अंपायर को पार करती है मिस्टर प्रदीप के लिए। यहाँ से खेला है लॉन्ग बॉल की दिशा में, तब तक फील्ड करते हैं दोनों बैट्समैन ने अगर 40 रन पूरा कर लिए धीरे रन के लिए बैठे हैं। 102 रन बना 8 ओवर में, 103 रन पे जीते भाई। ठीक है तो 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको। एक अच्छा स्कोर तो कहा जाएगा